दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं धान कुट्टी मशीन दिखाने वाला हूँ, ये कैसा काम करता है और साथ ही इसका क्या प्राइस होने वाला है, इसमें क्या क्या ऐसा इम्प्लीमेंट है, इसकी क्वालिटी क्या है, वो सारा डिटेल आज इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इंडिया मोटर कार पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ दोस्तों ये सुरजीत का धान कुट्टी दिखाने के लिए और मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं योगेश सर। योगेश सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है और सर आज इस धान कुट्टी मशीन के बारे में भी आप डिटेल देंगे। ये सुरजीत का आता है धान कुट्टी। जी हाँ, जो किसान भाई खेती किसानी करने के बाद जिसका गाड़ी खड़ा रहता है, अगर वो एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा है ये। जी हाँ, आज क्या है धान गांव-गांव में कुटाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। जी हाँ, इसके माध्यम से आप इसको ट्रैक्टर में पीटीओ साहब के साथ जोड़कर आप गांव-गांव में उसके घर में जाकर उस धान को कूट कर आप दे सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो आप इसमें। आप बिल्कुल, इसके अलावा आपको खुद का घर का धान उसको भी उसको कुटाई कर सकते हैं इसमें। जी, इसका जो अपन ये बोल सकते हैं सर, जो राइस मिल काम करके दे रहा है वो आपको घर में ही कम्प्लीट होकर मिल रहा है आपका। दोस्तों ट्राली में लोड करना, उसके बाद राइस मिल लेके जाना, वो उसमें लाइन लगाना, समय लेना, वो सारा दिक्कत से आप इसमें बच सकते हो और आप इसमें मुनाफा भी कमा सकते हो। मुनाफा ऐसा है दोस्तों कि आपके गांव में क्षेत्र में जो भी अगर इस धान कुट्टी से अगर अपना धान को कुटाना चाहता है तो वो भी इसके माध्यम से आप ले सकते हैं, एक बिजनेस के तरीके से भी आप इसमें कमा भी सकते हैं। और सर ये बताइए, जैसे राइस मिल में जो ले जाते हैं वहाँ पे पूरा उसको कंप्लीट करके पॉलिश वगैरह भी करके आता है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है, ये क्या क्या काम कर पाता है इसमें? तो धान कुटाई के साथ साथ अलावा जैसे किसान भाई लोग क्या कोढ़ा आता है एक ठो, जो धान कुटाई के बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग कोढ़ा बोलते हैं, उसको रखने के लिए इसमें ट्राली का भी सुविधा दिया गया है इसमें। अच्छा, आपको ये आपका अच्छा है, जिसको हम लोग अपने गाय पशुओं को खिलाते हैं, है ना, उसके लिए अच्छा है ये आपका, धान ढुलाई उलाई के लिए भी ये काम आता है। जी जी बिल्कुल दोस्तों, इसका एक अलग से स्टोरेज दिया हुआ है पीछे साइड पे, आपको कोढ़ा आप रख सकते हैं या धान का जो टुकड़ा निकलता है, छिलका जो निकलता है, भूसा बोल सकते हैं दोस्तों उसे, आप वो आप रख सकते हैं इसमें और उसे आप चाहे तो बेचना तो बेच भी देते हैं मार्केट में, कई लोग आपको खरीदने के लिए भी मिल जाएंगे। और साथ ही इसका आप अगर गाय या पशुपालन करते हैं आप तो उसमें भी आप उसको चारा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सर उसके अलावा भी आप ये बताइए कि कितना घंटे पे कितना मटेरियल ये खींच पाता होगा? ये अगर मैं बात किया करूँ, आज गांव देहात में जाकर आप देखेंगे ना 50 किलो का कट्टी आता है। जी, उसको अगर आप एक कट्टी का अगर धान कुटाई की बात करूँ तो 50 रुपये रेट अभी है। जी, तो अगर आप अगर बात करें तो ये 10 से 15 मिनट में 50 किलो का धान कुटाई कर देता है। और सर इतना अच्छा ये मशीन है और इसका क्या प्राइस है सर, वो आप बताएंगे? इसका 1,25,000 प्राइस है इसका। जी, 1,25,000 पे। ये नकदी ही बिकने वाला चीज़ है सर? हाँ नकदी, इसमें फाइनेंस का सुविधा नहीं है। नहीं है बिल्कुल दोस्तों, ये 1,25,000 में ये अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी पेपर की आवश्यकता नहीं होती होगी सर? इसमें पंजीकरण नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल दोस्तों, ये मात्र आपको 1,25,000 में मिल जाएगा। आप इसकी सुविधा देख सकते हैं, इसका फैसिलिटी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है दोस्तों। इसे एकदम सिंपल वे में मैन्युफैक्चर किया गया है, काफ़ी बेसिक सा सिस्टम इसमें दिया गया है दोस्तों। आप बस इसमें माल यहाँ से डालते जाइए आप धान, और यहाँ से आपका चावल निकलते जाएगा दोस्तों। आप जैसे बोरी में भरिए और उसे बेचने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा ये सिस्टम इसमें दिया गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।